नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आज सीतामऊ से सुवासरा मार्ग पर जो ब्रिज बन रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, उसके बारे में। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं पहुंच चुका हूं इस ब्रिज के यहाँ। तो जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर खड़े पिलर्स और खड़े बीम यहाँ पर कंप्लीट कर लिए गए हैं, और ऊपर आड़े बीम जो पहले से बना के रख रहे हैं उनको यहाँ पर अब रखा जाएगा, और कुछ रख दिए गए हैं। तो इस प्रकार से पिलर्स का काम यहाँ पर चल रहा है, गार्डर लॉन्चिंग का काम यहाँ पर चल रहा है, और ऊपर का छत डालने का काम इसके बाद यहाँ पर पूरा होगा, और दोनों साइड वॉल भी कंप्लीट कर ली गई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं 60% काम इस ब्रिज का हो चुका है। और दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से बीच में जो प्लांटेशन वर्क करना है उसके लिए इस प्रकार से गड्ढे खोदे जा रहे हैं। ये लगभग 1.5 से 2 फीट के गड्ढे खोद रहे हैं इस ट्रैक्टर मशीन के द्वारा, और इसके अंदर प्लांटेशन वर्क किया जाएगा ताकि ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह ग्रीन एक्सप्रेसवे बने। और दोस्तों ये बीच में आप देख पा रहे होंगे तो कहीं कहीं इन्होंने प्लांटेशन वर्क पूरा कर लिया है इस पैकेज 19 में, और पौधे बड़े भी हो गए हैं। ये आप देख पा रहे होंगे इतने बड़े पौधे हो चुके हैं यहाँ पर। तो इनको पानी ड्रिप सिस्टम के द्वारा दिया जाएगा जैसे कि आपको पता है। तो दोस्तों ये पूरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनने वाला है, तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा इस एक्सप्रेसवे का, और वातावरण भी अनुकूल बना रहेगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे आशा है ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आगे भी मैं पूरे अपडेट आपको आगे भी देता रहूँगा इस पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर करके, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लिए ताकि फ्यूचर के वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।